श्री विजय कृष्ण गोस्वामी पूछते हैं, महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हो रहे हैं, ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? जीव का अहंकार ही माया है, यही अहंकार कुल आवरणों का कारण है। मैं मरा कि बला टली, यदि ईश्वर की कृपा से मैं करता हूं मैं अकर्ता हूं यह ज्ञान हो गया तो वह मनुष्य तो जीवन मुक्त हो गया, फिर उसे कोई भय नहीं। यह माया या अहम मेघ की तरह है, मेघ का एक छोटा सा ही टुकड़ा क्यों ना हो, पर उसके कारण सूर्य नहीं दिख पड़ता, उसके हट जाने से ही सूर्य दिख पड़ता है। यदि श्री गुरु की कृपा से एक बार अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर श्री रामचंद्र हैं जो साक्षात ईश्वर हैं, पर बीच में सीता रूपिणी माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसी कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ये देखो तुम्हारे मुंह के आगे मैं इस अंगोछे की ओट करता हूं, अब तुम मुझे नहीं देख सकते, पर हूं मैं तुम्हारे बिल्कुल निकट। इसी तरह औरों की अपेक्षा भगवान निकट हैं, परंतु इस माया आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते। जीव तो स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, परंतु इसी माया या अहंकार से वे नाना उपाधियों में पड़े हुए अपने स्वरूप को भूल गए हैं। एक एक उपाधि होती है और जीवों का स्वभाव बदल जाता है। किसी ने काली धारीधार धोती पहनी कि देखना प्रेम गीतों की तान मुंह से अपने आप निकल पड़ती है, और ताश खेलना सैर सपाटे के लिए निकलना तो हाथ में छड़ी लेकर ये सब अपने आप जुट जाते हैं। चाहे दुबला पतला ही हो परंतु बूट पहनते ही सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय साहबों की तरह उछल कर चढ़ता है। मनुष्य के हाथ में कलम रहे तो उसका यह गुण है कि कागज का जैसा तैसा टुकड़ा पाते ही वह उस पर कलम घिसना शुरू कर देता है। रुपया भी एक विचित्र उपाधि है, रुपया होते ही मनुष्य एक दूसरी तरह का हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रह जाता। यहां एक ब्राह्मण आया करता था, बाहर से वो बड़ा विनयी था। कुछ दिन बाद हम लोग कोन घर गए, ऋदु हृदय साथ था। हम लोग नाव पर से उतरे कि देखा वही ब्राह्मण गंगा के किनारे बैठा हुआ है, शायद हवा खाने के लिए आया था। हम लोगों को देखकर बोला, क्यों महाराज कहो कैसे हो? उसकी आवाज सुनकर मैंने हृदय से कहा, हृदय सुना इसके धन हो गया है, इसीलिए आवाज किरकिराने लगी। हृदय हंसने लगा। किसी मेंढक के पास एक रुपया था, वो एक बिल में रखा रहता था। एक हाथी उस बिल को लांग गया, तब मेंढक बिल से निकलकर बड़े गुस्से में आकर लगा हाथी को लात दिखाने और बोला, तुझे इतनी हिम्मत कि तू मुझे लांग जाए? रुपये का इतना अहंकार होता है। अहंकार कब जाता है? ब्रह्म ज्ञान की अवस्था सप्त भूमि। ज्ञान लाभ होने से अहंकार दूर हो सकता है, ज्ञान लाभ होने से समाधि होती है, जब समाधि होती है तभी अहंकार जाता है। ऐसा ज्ञान लाभ बड़ा कठिन है।
वेदों में कहा है कि मन सप्तम भूमि पर जाने से समाधि होती है। समाधि होने से ही अहंकार दूर हो सकता है। मन प्रायः प्रथम तीन भूमियों में रहता है, लिंग, गुदा और नाभि, यही वे तीन भूमियां हैं। तब मन संसार की ओर, कामिनी कांचन की ओर खींचा रहता है। जब मन हृदय में रहता है तब ईश्वरी ज्योति के दर्शन होते हैं। वह मनुष्य ज्योति देखकर कह उठता है, ये क्या है। इसके बाद मन कंठ में आता है, तब केवल ईश्वर की ही चर्चा करने और सुनने की इच्छा होती है। कपाल या बोहों के बीच में जब मन आता है तब सचिदानंद रूप दिख पड़ता है। उस रूप को गले लगाने और उसे छूने की इच्छा होती है, परंतु छुआ नहीं जाता। लालटेन के भीतर की बत्ती को कोई चाहे देख ले पर उसे छू नहीं सकता। जान पड़ता है कि छू लिया परंतु छू नहीं पाता। जब सप्तम भूमि पर मन जाता है तब अहम नहीं रह जाता, समाधि होती है। विजय पूछते हैं, वहां पहुंचने पर जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब मनुष्य क्या देखता है? सप्तम भूमि में मन के जाने पर क्या होता है मुंह से नहीं कहा जा सकता। नमक की गुड़िया समुंदर नापने गई, किंतु जैसे ही पानी में उतरी वैसे ही गल गई। अब समुद्र की गहराई की खबर कौन देगी? जो देगी वही तो उसके साथ मिल गई। सप्तम भूमि में मन का नाश होता है, समाधि होती है। क्या अनुभव होता है वो मुंह से नहीं कहा जा सकता। अहम जाता नहीं है, बदमाश मैं, दास मैं। जो मैं संसारी बनता है, कामनी कांचन में फंसता है, वह बदमाश मैं है। जीव और आत्मा में भेद सिर्फ इसलिए है कि बीच में यह मैं जुड़ा हुआ है। पानी पर अगर लाठी डाल दी जाए तो पानी दो हिस्सों में बटा हुआ दिख पड़ता है, परंतु वास्तव में है वो एक ही पानी। लाठी के कारण उसके दो हिस्से नजर आते हैं। यह लाठी अहम ही है। लाठी उठा लो, वहीं एक जल रह जाएगा। बदमाश मैं वो है जो कहता है, मुझे नहीं जानते हो, मेरे इतने रुपए हैं, क्या मुझसे भी कोई बड़ा आदमी है? यदि किसी ने 10 रुपए चुरा लिए तो पहले वह चोर से रुपए छीन लेता है, फिर चोर की ऐसी मरम्मत करता है कि पसली पसली ढीली कर देता है, इतने पर भी उसको नहीं छोड़ता, पहरे वाले के हाथ सौंपता है और सजा दिलवाता है। बदमाश मैं कहता है, अरे इसने मेरे 10 रुपए चुराए हैं, उफ इतनी हिम्मत। विजय कहते हैं, यदि बिना अहम के दूर हुए सांसारिक भोगों से पिंड नहीं छूटता, समाधि नहीं होने की, तो ज्ञान मार्ग पर आना ही अच्छा है, क्योंकि उससे समाधि होगी। यदि भक्ति का अहम रह जाता है तो ज्ञान योग ही अच्छा ठहरा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, समाधि प्राप्त होकर एक दो मनुष्यों का अहंकार जाता है अवश्य, परंतु प्रायः नहीं जाता। लाख विचार करो पर देखना कि अहम घूम घुमाकर फिर उपस्थित है। आज बरगद का पेड़ काट डालो, कल सुबह को उसमें अंकुर निकला हुआ ही देखोगे।
ऐसी दशा में यदि मैं नहीं दूर होने का, तो रहने दो साले को दास मैं बना हुआ। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, इसी भाव में रहो। मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, ऐसे मैं में दोष नहीं। मिठाई खाने में अम्ल शूल होता है, पर मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। ज्ञान योग बड़ा कठिन है, देहात्म बुद्धि का नाश हुए बिना ज्ञान नहीं होता। कलयुग में प्राण अन्नगत हैं, अतएव देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि नहीं मिटती। इसलिए कलयुग के लिए भक्ति योग है। भक्ति पथ सीधा पथ है। हृदय से व्याकुल होकर उनके नाम का स्मरण करो, उनसे प्रार्थना करो, भगवान मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मानो जलराशि पर बिना बांस रखे ही एक रेखा खींची गई है, मानो जल के दो भाग हो गए हैं, परंतु वह रेखा बड़ी देर तक नहीं रहती। दास में या भक्त का मैं अथवा बालक का मैं, ये सब मैं की रेखाएं मात्र हैं। भक्ति योग ही युग धर्म है, ज्ञान योग की विशेष कठिनता। दास में, भक्त में और बालक में। विजय पूछते हैं, महाराज आप बदमाश मैं को दूर करने के लिए कहते हैं, तो क्या दास में दोष नहीं? नहीं, दास में अर्थात मैं ईश्वर का दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, इस अभिमान में दोष नहीं, बल्कि इससे भगवान मिलते हैं। अच्छा, तो दास में वाले के काम क्रोधादि कैसे होते हैं? अगर उसके भाव में पूरी सच्चाई आ जाए तो काम क्रोधादि का आकार मात्र रह जाता है। यदि ईश्वर लाभ के बाद भी किसी का दास मैं या भक्त मैं बना रहा, तो वह मनुष्य किसी का अनिष्ट नहीं कर सकता। पारस पत्थर छू जाने पर तलवार सोना हो जाती है। तलवार का स्वरूप तो रहता है, पर वह किसी की हिंसा नहीं करती। नारियल के पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, उसकी जगह सिर्फ दाग बना रहता है, जिससे यह समझ लिया जाता है कि कभी यहां पत्ता लगा हुआ था। इसी तरह जिसको ईश्वर मिल गए हैं, उसके अहंकार का चिन्ह भर रह जाता है, काम क्रोध का स्वरूप मात्र रह जाता है, उसकी बालक जैसी अवस्था हो जाती है। बालक सत्व रज तम में से किसी गुण के बंधन में नहीं आता। बालक जितनी जल्दी किसी वस्तु पर अड़ जाता है, उतनी ही जल्दी वह उसे छोड़ भी देता है। एक 5 रुपए की कीमत का कपड़ा चाहे तुम ढीले के खिलौने पर रिझाकर फुसला दो, पहले तो वह बहक कर कहेगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी ने मोल ले दिया है, और लड़के के लिए सभी बराबर हैं, ये बड़े हैं, यह छोटा है, ये ज्ञान उसे नहीं। इसीलिए उसे जाति पांति का विचार भी नहीं है। मां ने कह दिया है वह तेरा दादा है, फिर चाहे वह कलार हो, वो उसी के साथ बैठकर रोटी खाता है। बालक को घृणा नहीं, शुचि और अशुचि पर ध्यान नहीं, शौच के लिए जाकर हाथ नहीं मटियाता। कोई कोई समाधि के बाद भी भक्त का मैं, दास का मैं लेकर रहते हैं। मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं भक्त हूं, तुम भगवान हो, यह अभिमान भक्तों का बना रहता है, ईश्वर लाभ के बाद भी रहता है,
संपूर्ण मैं नहीं दूर होता। और फिर इसी अभिमान का अभ्यास करते करते ईश्वर प्राप्ति भी होती है। यही भक्ति योग है। भक्ति के मार्ग पर चलने से भी ब्रह्म ज्ञान होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वे इच्छा करें तो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। भक्त प्रायः ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते। मैं दास हूं, तुम प्रभु हो, मैं बच्चा हूं, तू मां है, वे ऐसा अभिमान रखना चाहते हैं। जो लोग वेदांत विचार करते हैं वे भी तो उन्हें पाते हैं। हां, विचार मार्ग से भी वे मिलते हैं। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। विचार मार्ग बड़ा कठिन है। सप्त भूमि की बात तो तुम्हें बतलाई है। सप्तम भूमि पर मन के पहुंचने से समाधि होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह बोध होने पर मन का लय होता है, समाधि होती है। परंतु कलिकाल में जीवों का प्राण अन्नगत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध फिर कैसे हो सकता है? ऐसा बोध देह बुद्धि के बिना दूर हुए नहीं हो सकता। मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न 24 तत्व हूं। मैं सुख और दुख से परे हूं। मुझे फिर कैसा रोग, कैसा शोक, कैसी जरा, कैसी मृत्यु? ऐसा बोध कलिकाल में होना कठिन है। चाहे जितना विचार करो, देहात्म बुद्धि कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। बड़ के पेड़ को काट डालो, तुम तो सोचते हो कि जड़ समेत उखाड़ फेंका है, पर दूसरे दिन सवेरे उसमें कनखा निकला हुआ ही देखोगे। देहाभिमान नहीं दूर होता, इसीलिए कलिकाल में भक्ति योग अच्छा है, सीधा है। और मैं चीनी बन जाना नहीं चाहता। चीनी खाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। मेरी कभी ये इच्छा नहीं होती कि कहूं मैं ही ब्रह्म हूं। मैं तो कहता हूं तुम भगवान हो, मैं तुम्हारा दास हूं। पांचवीं और छठी भूमि के बीच में चक्कर काटना अच्छा है। छठी भूमि को पार कर सप्तम भूमि में अधिक देर तक रहने की मेरी इच्छा नहीं होती। मैं उनका नाम गुण कीर्तन करूंगा, यही मेरी इच्छा है। सेव्य सेवक भाव बड़ा अच्छा है। और देखो, ये तरंगे गंगा ही की हैं, परंतु तरंगों की गंगा है ऐसा कोई नहीं कहता। मैं वही हूं, यह अभिमान अच्छा नहीं। देहात्म बुद्धि के रहते ऐसा अभिमान जिसको होता है उसकी बड़ी हानि होती है। फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता, धीरे धीरे पतित हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है, साथ ही अपनी आंखों में भी। अपनी स्थिति का हाल वो नहीं समझ पाता।